नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिन भर हिसार के दौरे पर रहे। कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। मुद्दा सिर्फ एक था कि किस तरह से हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को ताकत दी जाए, मजबूती दी जाए, और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। कुल मिलाकर एक नई तेजी और नया जोश कार्यकर्ताओं में वो भरकर गए हैं। लोगों में कुछ भ्रांतियाँ थी, वो दूर करने में वो कामयाब हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बकायदा उनके साथ में मंच साझा किया और मंच से कई बड़ी बातें भी कही हैं, वो भी आपको सिलसिलेवार सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मकसद क्या था। मकसद सिर्फ एक था कि हिसार की सीट बीजेपी जीतना चाहती है और इसके लिए वो पूरी ताकत झोंकना चाहती है। ये एकमात्र मकसद था और इसी के लिए कुलदीप बिश्नोई को बकायदा एक बार फिर मंच साझा करने के लिए कहा गया था। हालांकि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में रैली करवा चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने सफाई दी थी कि नाराजगी कोई नहीं है, नाराजगी अगर कोई थी तो वो दूर हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई ने मंच से कई चीज़ें कही हैं, वो आपको सुनाएंगे। पहले कुलदीप बिश्नोई की एक बार वो बात सुन लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं, फिर आगे। आज भी रावतखेड़ा गाँव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे, वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे के करनो है। मैंने कह रही थे कुछ मैंने के करनो है, खुली किताब है 100% चौधरी रंजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रंजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पर आपको आज कहता हूं। लेकिन साथियों, आपने अपने चौधरी भजन लाल जी को पहले अपना मुखिया बनाया, फिर आपने मुझे अपना मुखिया बनाया उनके स्वर्गवास के बाद। तो जब मुखिया राजी हो गया तो परिवार को राजी होना राजी का के जरूरी भी है और हमारे मजबूरी भी। इसलिए साथियों, कोई गलती मत करना। एक तरफे वोट, जिस प्रकार हम चुनाव लड़ते हैं, आप गांव गांव जाके, घर घर जाके आप वोट की बात करते हो, वही बात आपने चौधरी रंजीत चौटाला जी के भी करनी है। तो ही उसमें मेरा मान बढ़ेगा, तो ही मेरी जीत है, वही आपकी सच्चा आशीर्वाद मैं अपने लिए और भव्य के लिए मानूंगा आपका। आपकी तरफ आने वाला समय बीजेपी का है, आने वाला ये समय नरेंद्र मोदी जी का है, हम सबको उसमें आहुति के रूप में डालनी है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो सुना आपने कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि लोग कान में आके पूछ रहे थे कि क्या करना है, तो इसका मतलब कुछ भ्रांतियां, कुछ चीज़ें अभी बाकी रहती थी। और कुलदीप बिश्नोई ने साफ किया कि उन्होंने कहा कि अब कुछ बाकी रहता नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, रणजीत सिंह चौटाला को जिताएं, रणजीत सिंह चौटाला को वोट दें। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भरे मन से ये बात एक बार फिर से रिपीट की है। और इसके मायने क्या हैं, दरअसल ये प्रचार चलाया जा रहा था इनफैक्ट कि कुलदीप बिश्नोई अभी भी नाराज हैं और उनके समर्थक जो है, हो सकता है कि रणजीत सिंह चौटाला के लिए काम नहीं करें, उनको वोट ना दें। इसीलिए मुख्यमंत्री भी आज हिसार आए, कुलदीप बिश्नोई भी हिसार थे और दोनों ने मन साझा किया। कुलदीप बिश्नोई ने जो बड़ी बात पूरे अपने भाषण में कही, उसका लबोलवाब यही था कि नाराजगी नहीं है, लोग बारी बारी पूछ रहे हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, ये रूमर्स हैं, अभी भी हल्के में हैं और लोग पूछ रहे हैं, लेकिन साफ किया कि रणजीत सिंह चौटाला को जिताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए रणजीत सिंह चौटाला को जिताना जरूरी है। और ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके मायने क्या हैं कि क्या वाकई अब माहौल बदलेगा और जो आज से पहले माहौल था उसमें बदलाव आएगा, और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक जो ये पहले मानते थे कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं और बीजेपी की मदद नहीं करेंगे, तो क्या उनमें परिवर्तन आएगा। जाहिर सी बात है, आता है जब मुखिया पार्टी के नेता और उनके जो नेता होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो अगर बार बार कहते हैं, एक बार नहीं दूसरी बार भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, नाराजगी नहीं है, नाराजगी दूर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं फिर आदमी मान जाता है कि हाँ, आप कुलदीप बिश्नोई ने मन से आके फिर से कहा है। और बार बार आदमी जब कहता है तो फिर इन चीज़ों को मान लिया जाता है। और आपको मैं कुछ चीज़ें और भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ। नायब सिंह सैनी ने एक बात कही है, पहले एक बार वो आप वो सुन लीजिए और उसके बाद में एक बाइट भी सुनाएंगे जो उनसे सवाल किए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, वो भी आपको सुनाएंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन पहले एक बार जो उन्होंने भाषण में कहा नायब सिंह सैनी को, एक बार वो सुन लेते हैं। भव्य जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि भव्य जी हमारे उभरते सितारे हैं और अभी हमारे हरियाणा प्रदेश युवा के प्रभारी भी हैं और मजबूती से युवाओं के अंदर इनका एक जलवा है और ये युवाओं को एक दिशा और दशा देने का काम भव्य जी करेंगे। भव्य जी को
आपने सुना नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, भव्य की तारीफ कर रहे हैं, वो भव्य बिश्नोई विधायक हैं आदमपुर के, उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई युवा हैं और उनके उनको मालूम है दरअसल कि जमाना ऐसा है कि युवाओं की शक्ति, युवाओं का साथ बीजेपी को जरूर चाहिए है। और जब आदमपुर की बात होती है तो विधायक चूँकि भव्य बिश्नोई हैं, युवा भी हैं, तो उनकी तारीफ भी पूरी करके गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मकसद एक ही था कि भाई अगर फिर भी कोई नाराज़गी रहती है तो आप नाराज मत हों, क्योंकि ये पार्टी का सवाल है, पार्टी को बीजेपी को एक एक सीट की ज़रूरत है और इस सीट के लिए आप माहौल तैयार करें, माहौल बनाएं, रणजीत सिंह चौटाला को हर हाल में जिताना होगा। तो भव्य बिश्नोई की भी मुख्यमंत्री ने जमकर तारीफ की है। एक बार फिर सुनिए कि तारीफ जो है किस अंदाज के अंदर कर रहे हैं। इनका एक जलवा है और ये युवाओं को एक दिशा और दशा देने का काम भव्य जी करेंगे। उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई का एक जलवा है और वो युवाओं को दशा और दिशा दोनों बदलने का, दोनों दिखाने का काम करेंगे। कुल मिला के जान फूंक के गए हैं जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक थे। दरअसल रणधीर पनिहार के यहाँ पर ये कार्यक्रम था। रणधीर पनिहार जो है कुलदीप बिश्नोई के खासम खास है, राइट हैंड हैं, और कुलदीप बिश्नोई ने आज अपने भाषण में भी उनकी तारीफ की है रणधीर पनिहार की, कि जब तमाम लोग इधर से उधर जा रहे थे, जब कोई भी दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई परिवार को पार्टी को, तो रणधीर पनिहार खड़े रहे उनके साथ में। ये इस तरह की तारीफ भी रणधीर पनिहार की आज कुलदीप बिश्नोई ने खुले मन से, भरे मन से की है। और उन्हीं के यहाँ पर ये कार्यक्रम था और अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ भी थी, और चूँकि समर्थक इसमें सारे कुलदीप बिश्नोई के, रणधीर पनिहार के, उनके परिवार के, उनके साथी थे, तो लिहाजा भव्य बिश्नोई की मुख्यमंत्री ने जम के तारीफ भी की है। अब आपको एक बार जो हमने सवाल किया था मुख्यमंत्री से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज हिसार थे, उनके बारे में भी एक अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो उनसे सवाल किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, आपने काम क्या किया है। इस पर भी एक बार आप सुन लीजिए कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, उनसे संबंधित सवाल को लेकर क्या कह रहे हैं। लोगों के अंदर झूठ फैला करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनके समय में हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके दो दो किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी, ये दिखाई नहीं देता था। जो पैसा विकास के ऊपर खर्च होना चाहिए था वो भ्रष्टाचार में चला जाता था। कहाँ चला जाता था? आज हर सुविधा हर व्यक्ति को घर बैठे हुए इन 10 वर्षों के अंदर मिली है और प्रदेश एक विकास की गति में समान रूप से आगे बढ़ा है। अगर आज आप देखेंगे मेरे हरियाणा प्रदेश के एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लेनिंग रोड ना हो। 4 घंटे यहां से हिसार से चंडीगढ़ जाने में ये हुड्डा साहब को पूछना चाहिए था, कहते तेरी सरकार के अंदर 8 घंटे लगते थे और आप 2.5-3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। ये बदलाव इस सरकार के अंदर आए। राहुल भी कह रहा, कहा एक जट के मगरीब भी समाप्त कर दूंगा, दोनों लग जो कहते। आखिरी में मजाक के लहजे में भी कहते हैं कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एक ही झटके में गरीबी समाप्त कर देंगे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी दोनों लग जाएं, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह के और फिर गाड़ी से निकल जाते हैं। तो कुल मिला के आज का जो दौरा था उसका लबोलवाब यही कि नायब सिंह सैनी रणजीत सिंह चौटाला को मजबूती देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनके कैंपेन को तेजी देने के लिए यहाँ पर आए थे। उसमें वो सफल भी हुए हैं, कामयाब हुए हैं, और निसंदेह जब कुलदीप बिश्नोई मन साझा करते हैं और कुछ बातें कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उनके कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग पर वो असर भी करती हैं। अब आपको सुनाते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कहा, क्योंकि वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लाजमी सी बात है कि जब वो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर थे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। अब हमारा संघर्ष है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला बनाने का। हम जितने आदमी आए हैं एक विश्वास करके जाए कि 98% पोल करेंगे। जिस घर का जो आदमी है उसके 6 वोट है, 5 वोट है, अपना पूरा वोट बोलता है, 100% पोल होगा। इससे बड़ा कोई कर्म और धर्म नहीं होगा। सारा अब हमारा संघर्ष है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाने का। वो एक बात कह रहे हैं कि उनका अगला संघर्ष जो है वो सारा का सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। तो कुल मिला के रणजीत सिंह चौटाला अच्छी तरह से न समझते हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता कैसे सोचती है। जब नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की बात आती है तो जनता कैसे सोचती है, और ये पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर, इसी बात पर टिका हुआ है। तो रणजीत सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे। वोट बेशक उन्होंने अपने लिए मांगे लेकिन उनके नाम पर मांगे। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाना है, मोदी जी को तीसरी बार लेके आना है।
और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शानदार ये कार्यक्रम रहा और तमाम वक्ताओं ने कुल मिला के रणजीत सिंह चौटाला को ताकत दी है। बीजेपी के प्रत्याशी हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और मुख्यमंत्री का जो दौरा था आज उनको ताकत दे गया, एक स्फूर्ति दे गया और उनके चुनाव में तेजी भी इस दौरे के बाद में लाजमी है, वो आएगी। इस वीडियो पर आप खुल के कमेंट करें, आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव किस तरफ जा रहा है, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं, कंपेन उनका कैसे चल रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौरा असर क्या करेगा ख़ास तौर पर रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव पर। इस वीडियो पर खुल के शेयर करें, कमेंट भी करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपनी बात आप जरूर लिखा करें। आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।